नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसाल, वास्तु कंसल्टेंट। दीपावली के शुभ अवसर पर आप अपने घर में वाइट वॉश रंग रोगन करवा रहे हैं तो आपको रंग रोगन करवाते समय जरा सी सावधानी जरूर बरत लेनी चाहिए, क्योंकि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, आपके परिवार में खुशहाली है, तो आपके यहाँ दीवारों पर घर के अंदर जैसा रंग हुआ है वैसा ही रंग करवाना चाहिए। आपका व्यापार जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। यदि आपके व्यापार में दिक्कत है, परिवार में खुशहाली में कमी है और आप अपने घर के अंदर वाइट वॉश, अपनी फैक्ट्री के अंदर वाइट वॉश, या आप अपनी दुकान में या अपने शोरूम में वाइट वॉश करवा रहे हैं, आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अपने घर में वाइट वॉश कराना चाहिए, क्योंकि आप पैसा तो खर्च कर ही रहे हैं तो आपको पंचतत्वों और दिशाओं के अनुसार वाइट वॉश कराते हैं, रंग रोगन करवाते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका व्यापार, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छा चलने लगेगा, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है तो वो व्यापार और बढ़िया चलने लगेगा, आपके यहाँ जो सेविंग है वो भी बढ़ती चली जाएगी और आपके परिवार में खुशहाली भी बढ़ेगी। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है और जाने अनजाने में आप दक्षिण दिशा में नीला रंग करा देते हैं तो जो आपकी अपनी फैक्ट्री है या आपकी अपनी दुकान या आपका अपना शोरूम है उसमें आपके माल खरीदने में भी दिक्कत आएगी और आपको माल बेचने में भी दिक्कत आएगी, पैसे से संबंधित आपके यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। घर में आप नीला रंग दक्षिण दिशा में करा देते हैं तो आपके यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आएगी और जो आपकी अपनी सेविंग है वो सेविंग भी आपकी खर्च होती रहेगी और आपकी सेविंग में भी कमी आएगी। इसलिए आपको अपने घर के अंदर वाइट वॉश कराते समय, रंग रोगन कराते समय पंचतत्वों और दिशाओं के हिसाब से ही रंग रोगन कराने चाहिए। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो एक दिशा में आने पर घर के अंदर भरपूर दौलत दे देते हैं, भरपूर सुख दे देते हैं और वही रंग दूसरी दिशा में आने पर उस घर के अंदर परेशानी लाकर खड़ी कर देते हैं। पैसे से संबंधित भी परेशानी आती है और स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएँ बनती है। इसलिए जो बात मैंने आपको कही है, आपको रंग रोगन व्हाइट वॉश कराते समय जरा सी सावधानी जरूर बरत लेनी चाहिए। आप मेरी बातों को सुने, समझे और विचार करें। अपने घर के अंदर पंचतत्वों और दिशाओं के अनुसार रंग रोगन कराते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही खुशियाँ बढ़ेंगी। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मेरे प्रोग्राम को आप अपने सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।